हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में पूछा गया है। इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 3 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। ओके, तो इस प्रॉब्लम में आपको फर्स्ट टर्म गिवेन है ए इक्वल टू 3। ओके, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर आप A1, A2, 25 टर्म तक अगर आप टर्म को ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल होता है, नेक्स्ट 15 टर्म है ना, मतलब A26, A27 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आप A40 तक की सीरीज ऐड करोगे तो बोथ आर इक्वल टू इच अदर। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 25 टर्म है और यहाँ से यहाँ तक का कितने 15 टर्म है। क्लियर है कि नहीं, यस आर नो? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में SN का फॉर्मूला यूज होगा, N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, एंड nth टर्म का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? यहाँ से आप फॉर्मूला यूज करो, 25 एन अपॉन 2 एंड 2A, A की वैल्यू 3 है, प्लस N माइनस 1, 25 माइनस का 1 इंटू डी, कन्फर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा क्या होगा, 15 टर्म है, 15 अपॉन 2 एंड 2A, A के प्लेस पे यहाँ पे A26 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, A26 रखना है, एंड N माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी, 15 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखो यहाँ से हम लोग फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 5 3 15 एंड 5 5 25, तो फाइनली यहाँ से क्या जाएगा, 5 इंटू ये 3 2 6 एंड दिस इज 24D इज इक्वल टू 3। अब A26 को क्या लिखोगे, A26 अगर एन ए टर्म से यहाँ पे n के लिए 26 रख दें तो A प्लस का 25D के इक्वल आएगा। ओके, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा 2 इंटू A प्लस का 25D, A प्लस का 25D एंड ये आपका जाएगा 14D। ओके, अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है, D की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 5 इंटू ये 6 प्लस का 25D इज इक्वल टू ये 3 है, और यहाँ पे A की वैल्यू क्या पुट अप करोगे, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा विद इन ब्रैकेट 2 इंटू यहाँ पे 3 प्लस का 25D प्लस का 14D। ओके, तो फाइनली यहाँ से आएगा 3 विद इन ब्रैकेट 2 2 3 6 एंड 25 2 50D प्लस का 14D। क्लियर है? और ये 6 5 30 एंड प्लस का 5 4 20 एंड 5 2 10 120D। तो 30 प्लस का 120D इज इक्वल टू ये 3 है विद इन ब्रैकेट 6 प्लस का ये कितना आएगा, 50 प्लस का 14 दैट इज 64D मल्टीप्लाइड बाई 3 3 6 18 एंड 3 4 12 एंड 3 6 18 18 1 19 192 दिस। तो 30 प्लस का 120D। ओके, तो यहाँ से 30 माइनस का 18 इज इक्वल टू 192D माइनस का 120D, तो 192 माइनस 120D सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 आ जाएगा, 9 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 2 इज इक्वल टू 7। ओके, 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 72D, देन डी इज इक्वल टू 12 अपॉन 72 एंड 12 6 10, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, डी इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 1 अपॉन 6, डी इक्वल टू 1 अपॉन 6। देखते हैं ऑप्शन में 1 अपॉन 6 है कि नहीं, तो यहाँ पे आपका वन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द 1 अपॉन 6। क्लियर है कि नहीं, यस आर नो? तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ और हम लोगों ने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करना है, कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ गया होगा, बस कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है। ओके, थैंक यू।